हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज थिएटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में शाम की चाय के साथ क्रिस्पी स्नैक्स ना हो तो बात कुछ अधूरी अधूरी से रह जाती है। तो लीजिए, पेश है ये क्रिस्पी क्रंची और आपकी शाम की चाय और भी मजेदार बनाने के लिए राइस कटलेट। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले 3 छोटे बॉईल करे हुए मैश आलू चाहिए हमें, 1 कप पके हुए चावल चाहिए, 1 गाजर को ग्रेट कर लेंगे, आधी शिमला मिर्च को चॉप कर लेंगे, 1 छोटी प्याज को चॉप कर ली है, 1 कप मटर बॉईल कर लिया है, 1 छोटा टमाटर चॉप कर लेंगे, आधे नींबू, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 3-4 लहसुन की करी लेंगे, आधे कप धनिया पत्ती को चॉप कर लिया है, 2 कप ब्रेड क्रम्स लिया है, 3 टीस्पून मैदा लेंगे, 1 स्पाइसेस लेंगे जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, 2 टीस्पून चाट मसाला लिया है। अब सबसे पहले हम चावल को चॉपर या ग्राइंडर में चला लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें मैश करे हुए आलू डालेंगे जो हमने चावल ग्राइंड करा था, वो चावल डालेंगे, अब इसमें हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे। ये बहुत टेस्टी स्नैक के साथ साथ बहुत ही हेल्दी स्नैक भी होता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सब्जियों को ऐड करते हैं। इसमें आप चाहे तो बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने बॉईल करे हुए मटर ऐड कर दिए हैं, टमाटर ऐड करेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती सर्व करने के लिए और स्लरी बनाने के लिए हम बचा लेंगे। अब इसमें मिर्च लहसुन अदरक को अच्छे से चॉप कर लिया है, अब वो डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे, अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े सभी मसाले बचा लेंगे स्लरी में ऐड करने के लिए। इस मिक्सचर में थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये थोड़ा सा भी मॉइस्ट लगे ना तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स कर लें। सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम कटलेट की शेप बना लेंगे। बॉल साइज का मिक्सचर लेंगे और आपको जैसा शेप पसंद हो वैसा शेप बना लें। तो ये देखिए, मैंने सारे मिक्सचर से शेप बना लिया है। आपको जैसे भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी, तब तक हम स्लरी बना लेंगे। एक बोल में मैदा लेंगे
अब इसमें बचे हुए सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे अच्छे से परफेक्ट स्लरी बना लेंगे। स्लरी बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए या थिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बहुत ध्यान से बनाना है ये स्लरी। ये देखिए इस तरह से होगा कुछ। तो चलिए अब इन सब की हम कोटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कटलेट को स्लरी में डिप करेंगे। अब ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे सब तरफ से। और इस तरह से सारे कटलेट को हम रेडी कर लेंगे और 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। तब तक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्टिर फ्राई भी कर सकते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर स्लो फ्लेम पर चारों तरफ से सेक लेंगे, या फिर मैं जैसे डीप फ्राई कर रही हूँ आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए एक साइड बिना चलाए फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी इसी तरह सेम फ्राई कर लेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना दिखे हमारा ये कटलेट, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गोल्डन ब्राउन होके रेडी हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हमारे कटलेट रेडी हो गए हैं। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे और जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो सब पेपर टॉवल पे हमारा निकल जाएगा। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम धनिया पत्ती से सर्व कर लेंगे और चटनी किसी भी तरह की हो, चाहे शेजवान सॉस हो, ग्रीन चटनी या टमाटो केचप, ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है और आपकी चाय को बेहतरीन बनाने के लिए स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चाय कितनी मजेदार हुई स्नैक्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय।